आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हाउ टू से इन जापानीज इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यहाँ मैंने सामने कुछ वोकैब लिख रखा है, सो आप सब पहले इसको पढ़ ले, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट क्या है, सेंटेंस बनाने से पहले आपको वर्ड आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वर्ड आपको पता नहीं होगा, वोकैब पता नहीं होगा, आप सब सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है। नान देमो एनीथिंग, दारे देमो एनीबॉडी। नान देमो एनीथिंग, हिंदी हो गया इसका क्या, कुछ भी। दारे देमो एनीबॉडी, कोई भी। डोको देमो एनीवेयर, कहीं भी। इत्सु देमो एनी टाइम, कभी भी। इकित्सु देमो एनी नंबर्स ऑफ थिंग, ये किसके लिए है, थिंग्स के लिए। इकुरा देमो एनी अमाउंट। दोचिरा देमो इतना भी। इकुरा देमो एनी अमाउंट, इतना भी। दोचिरा देमो विच एवर अमाउंट टू, यानी टू थिंग्स से कोई एक को चुनना। दोरे देमो विच एवर अमाउंट ऑल, बहुत सारी चीजें हैं उसमें से कोई एक। कुको देमो दिस प्लेस, सोको देमो दैट प्लेस, असोको देमो दैट प्लेस ओवर देयर। ई देश खेको देश कमाई मशीन इज ऑल राइट, कुछ भी। तो अब हम लोग सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। अगर किसी से पूछना होगा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं, कैसे पूछेंगे। नानी गा था बिताई देश का, नानी गा बिताई देश का, आंसर कोई देगा कुछ भी, एनीथिंग इज ओके, तो क्या बोलेंगे। नान देमो ई देश, नान देमो ई देश। चलिए सेंटेंस लिख करके देख लेते हैं। नानी गाथा बिताई देश का, नानी मो ई देश, नानी मो ई देश, नानी गाथा बिताई देश का, नानी मो ई देश। व्हाट वुड यू लाइक टू इट, आप क्या खाना चाहते हैं। नानी गा था बिताई देश का, नानी मोई देश, एनीथिंग इज ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दारे तो ही किताई देश का, दारे तो ही किताई देश का, विद होम वुड यू लाइक टू गो, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। दारे दे मोई देश, दारे दे मो, तारे देमो ई देश, एनी बडी इज ओके, एनी बडी इज ओके, किसी के साथ भी। ठीक है, हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। तो समझ में आ गया कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। व्हेन वुड यू लाइक टू मीट, आप कब मिलना चाहते हैं, इसको जापानीज में कैसे बनाएंगे, चलिए बना करके देखते हैं। इत्सु आइताई देस का, व्हेन वुड यू लाइक टू मीट, इत्सु आइताई देस का, कब मिलना चाहते हैं। इत्सु दे मोई देस, इत्सु दे मोई देस, एनी टाइम इज ओके। इत्सु आइताई देस का, इत्सु दे मोई देस, एनी टाइम इज ओके। इत्सु आइताई देश का, आप कब मिलना चाहते हैं, कभी भी ठीक है। हाउ मेनी एप्पल डू यू वॉन्ट, अगर बोलना होगा हाउ मेनी एप्पल डू यू वॉन्ट, आपको कितना सेब चाहिए, कितना एप्पल चाहिए, इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे। इकुत्सु रिंगो गा होशी देश का, इकुत्सु रिंगो गा होशी देश का, इकुत्सु मीन्स एनी नंबर ऑफ थिंग्स, होशी मीन्स वॉन्ट, रिंगो सेब एप्पल। इकुत्सु रिंगो गा होशी देश का, तो कैसे आंसर देंगे। इकुत्सु देमो खेको देश, इकुत्सु देमो खेको देश, एनी नंबर्स ऑफ एप्पल इज ओके। ठीक है, आपको कितना सेब चाहिए, हाउ मेनी एप्पल डू यू वॉन्ट, इकुत्सु रिंगो गा होशी देश का, आंसर क्या लिखेंगे। इकित्सु देमो
दिस। सो देमो खेको दिस। एनी नंबर्स ऑफ एप्पल फाइन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, अगर किसी को बोलना होगा कि कितना पैसा आपको चाहिए, कितना पैसा चाहिए, इसको कैसे बोलेंगे? हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, जापनीज में कैसे पूछेंगे? इकुरा ओकाने गा होसी देस का। इकुरा ओकाने गा होसी देस का। ओकाने मीन्स क्या होता है? मनी। इकुरा ओकाने गा होसी देस का। इकुरा दे मोई देस, एनी अमाउंट इज ओके। चलिए सेंटेंस बना करके देखते हैं साथ में। इकुरा ओकाने गा होसी देस का। इकुरा ओकाने गा होसी देस का। खाने का होशी देश का। इकुरा देमो, इकुरा देमो ई देश, इकुरा देमो ई देश, इकुरा देमो खेको देश, एनी अमाउंट इज ओके। इकुरा ओकाने का होशी देश का। आपको कितना पैसा चाहिए? हाउ मच मनी डू यू वांट? इकुरा देमो ई देश, एनी अमाउंट इज ओके। ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने आ रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। वीडियो बहुत इजी है। अगर इस वीडियो को आप 2-4 बार रिवाइंड कर करके देखेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कोई भी टू थिंग्स में पूछना होगा कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, लाइक विच विच वुड यू लाइक, इधर ए एंड बी, यानी टू थिंग्स है, उसमें से कोई एक अगर आपको चुनना होगा या फिर आपको बोलना होगा, कोई भी चलेगा। इसको कैसे बनाएंगे? चलिए सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। दो चिरा गाई देश का। दो चिरा गाई देश का। विच वुड यू लाइक टू, विच वुड यू लाइक, दो चिरा गाई देश का। दैट इज फाइन। चिरा गाई देश का। दो चिरा देमो ई देश। दो चिरा देमो ई देश। दो चिरा गाई देश का। दो चिरा देमो ई देश। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोको, शोको, आशोको। अगर किसी से पूछना होगा आपको कि कहाँ चलोगे, कहाँ पर, किस प्लेस पे, तो आप क्या बताओगे? दिस प्लेस इज ओके, दैट प्लेस इज ओके, दैट प्लेस ओवर देयर इज ओके। लाइक कोई आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे ठीक रहेगा क्या ये चीजें, यहाँ पे ये रख दे, लाइक ऑफिस में कोई पूछता है कि ये फाइल यहाँ पे रख दे, ठीक रहेगा क्या? बोलोगे हाँ, कोको देमो ई देस, कोको देमो ई देस, यहाँ पर ठीक रहेगा, दिस प्लेस इज ओके। सोको देमो ई देस, दैट प्लेस इज ओके। अशोको देमो ई देस, दैट प्लेस ओवर देयर इज ओके। यानी कोई भी आपको जगह पता होनी चाहिए पहले, फिर आप ये सेंटेंस बनाइए। ये वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन किसी से पूछते हैं इसके लिए। आई होप आज का वीडियो, आज का लेसन आप सबको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं आप सबको लास्ट में एक सेंटेंस दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नानी का नोमी ताई देश का। नानी का नोमी ताई देश का। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? नानी का नोमी ताई देश का। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। नानी का थाबे ताई देश का, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट सेंटेंस जो हमने पढ़ा है ये यही पढ़ा है कि नानी का था बिताई देश का। और आप सब जाएं पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स किसी से कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन किसी से कैसे पूछते हैं WH फॉर्म में,
वो वाला वीडियो आप सब देखिए, और ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। आप सबको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक भी दें मुझे, ताकि मैं और हो सकता है वीडियो में कुछ चेंज, अगर आप सबको लगता है कि ये चीजें चेंज कर सकते हैं तो मैं करूं, बेटर बनाने की कोशिश करूंगी वीडियो, और इजी वे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, ताकि इजी तरीके से सब लोग जापानीज बोलना सीख जाए। क्योंकि जापानीज मुझे लगता है कि अगर आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करेंगे आपको और इजी लगने लगेगा। सो चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सबको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है पढ़ाने का मेरा तरीका, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग भी जापानीज सीखना पसंद करते हैं। सो बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है हाउ टू मेक ते फॉर्म, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से अब ते फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सो फटाफट से आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए, कहीं कोई वीडियो मिस ना रहे आप सबसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।